ऑफ मैथमेटिक्स एटसेट्रा, दिस इज़ विनय पांडे हियर अगेन। क्लास 12 की मैट्रिसेस की नेक्स्ट वीडियो, जैसे कि लास्ट वीडियो में मेंशन किया हुआ था मैंने कि आपको जो अगला वीडियो है उसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम जो है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पे बेस्ड उस थ्योरम को करने जा रहे हैं, क्योंकि ये थ्योरम क्लास 12 के अलावा हायर एजुकेशन में भी काफ़ी यूज़ होती है। इसका जो प्रूफ है वो भी वहाँ काफ़ी यूज़ होता है इसका। तो आपका क्लास 12th एज़ वेल एज़ हायर जो स्टडीज़ में अगर आप मैथ्स पढ़ेंगे तो वहाँ भी आपके लिए ये थ्योरम बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी। तो इसका जो प्रूफ है मैं आज आपको बताऊँगा, दोनों थ्योरम्स का प्रूफ। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करें तो किसी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज, फिर से वही मैट्रिक्स आ रही थी तो उसको सिमेट्रिक बोला था हमने। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसके नेगेटिव आता था तो हमने उसको स्क्यू सिमेट्रिक बोला था। अब ट्रांसपोज क्या था वो भी हमने पहले के वीडियोज़ में देख लिया था, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के पुराने वीडियोस के लिंक से सारे वीडियोस पुराने देख सकते हैं। ज़्यादा डिटेल में पुराने वीडियोस में अभी मैं नहीं जाऊंगा, हम डायरेक्टली उसको यूज़ करेंगे यहाँ पे। पहली थ्योरम में देखिए आप, दोनों थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, दोबारा मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये तो एनसीईआरटी में भी आपको मिलेगी थ्योरम। इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, स्टेटमेंट को पढ़ के आप अपनी कंडीशंस निकालते रहिए कि आपको क्या क्या दिया हुआ है। ए और बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस, यानी कि ये पहले वाले का प्रूफ कर रहे हैं। लेट ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ए और बी दोनों क्या हैं, सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, यानी कि ए ट्रांसपोज जो है वो भी ए बन रहा होगा और बी ट्रांसपोज जो है वो भी बी बनेगा क्योंकि सिमेट्रिक है और दोनों का ऑर्डर सेम है, ये भी ध्यान रखना। मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर शो दैट ए बी इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में आई डबल एफ लिखा जाता है। इफ एंड ओनली इफ का मतलब है कि आपको यहां पर दो पार्ट प्रूफ करना है। क्या, पहले केस में आपको ये मानना है कि अगर ए बी सिमेट्रिक है तो ए और बी जो है कॉम्यूट करेंगे, यानी कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे, यानी कि ए बी इक्वल टू क्या आ रहा होगा, बी आ रहा होगा। प्रीवियस वीडियोज में मल्टीप्लीकेशन जब मैंने आपको बताया था तो मल्टीप्लीकेशन और मैट्रिसेस में हमने देखा था कि अगर दो मैट्रिसेस को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रूफ करना है कि अगर ए बी सिमेट्रिक है, यानी कि ए बी सिमेट्रिक होने का मतलब क्या है, ए बी का जो ट्रांसपोज है वो ए बी बन रहा होगा, तभी तो सिमेट्रिक हुआ। अगर ए बी सिमेट्रिक है तो ए बी इक्वल टू बी ए प्रूफ करना है, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ लगा है। तो दूसरे पार्ट में आपको क्या प्रूफ करना होगा कि अगर ए बी इक्वल टू बी ए है तो ए बी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, अगर ए बी सिमेट्रिक है तो ए बी इक्वल टू बी ए प्रूफ करना है पहला पार्ट, और दूसरे केस में ए बी इक्वल टू बी ए हमको लेकर के चलना है और ए बी को सिमेट्रिक प्रूफ करना है। ये होता है इफ एंड ओनली इफ का मतलब, यानी कि दोनों आपको पार्ट यहाँ पे करने हैं। तो पहले केस में हम क्या मान लेते हैं कि लेट ए बी इज सिमेट्रिक, वैसे शो दैट ए बी इज सिमेट्रिक, पहले पार्ट में आपको ए बी सिमेट्रिक प्रूफ करना है। तो पहले हम पहला पार्ट ही कर लेते हैं, उसके बाद दूसरा पार्ट करेंगे। देखिए ए बी सिमेट्रिक होगा कब, जब ए और बी कॉम्यूट होंगे, यानी कि ए और बी कॉम्यूट होने का मतलब ए बी इक्वल टू बी ए हमको लेकर के चलना पड़ेगा, और देन वी हैव टू शो दैट ए बी इज सिमेट्रिक। ए बी सिमेट्रिक कब होगा, जब ए बी का जो ट्रांसपोज है वो क्या बन रहा होगा, फिर से ए बी बन रहा होगा। अब हम ए बी का ट्रांसपोज निकालते हैं और उसमें हम इस कंडीशन का यूज़ भी करेंगे। ए बी ट्रांसपोज, ए बी ट्रांसपोज पिछले वीडियो में जब हमने प्रॉपर्टीज़ देखी थी, ए बी ट्रांसपोज किसके इक्वल आ रहा था, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बताया था डिटेल में। ए बी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी के, इक्वेशन वन में आपको पता है, और ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है। तो ए बी ट्रांसपोज बी ए बन गया यूजिंग इक्वेशन वन। ए बी ट्रांसपोज, इस केस में आप क्या मान के चल रहे हो कि ए बी क्या है, ए बी इक्वल टू क्या है, बी ए है, ये मान के चल रहे हो। तो बी ए की जगह पे आप क्या कर सकते हो, ए बी। तो देखिए आप, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फिर से वही मैट्रिक्स बन जाए तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक, यानी कि ए बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। ये आपका पहला पार्ट हो गया। इस पार्ट में हमने ए बी
इक्वल टू बी ए लिया था, यानी कि ए और बी कॉम्यूट कर रहे थे। अगर ए और बी कॉम्यूट कर रहे हैं तो ए बी सिमेट्रिक होगा, वो प्रूफ कर दिया। अब दूसरा पार्ट जो है, जो सेकेंड पार्ट इसी क्वेश्चन का है, उसको हम लिखते हैं कन्वर्सली। कन्वर्सली का मतलब हम उल्टा प्रूफ करेंगे, अब जो हमने लिया था उसको प्रूफ करेंगे। अब इस केस में हम क्या मानेंगे कि लेट ए बी इज सिमेट्रिक, देन वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू शो दैट ए एंड बी कॉम्यूट, ए और बी कॉम्यूट करेंगे। अब हमको प्रूफ करना है, जो हमने पहले केस में लिया था वो यहाँ प्रूफ करेंगे, जो पहले केस में प्रूफ किया था वो यहाँ लेकर के चल रहे हैं। सिंस ए बी इज सिमेट्रिक, तो अगर ए बी सिमेट्रिक है तो इसका ट्रांसपोज फिर से यही मैट्रिक्स बनेगी, और ए बी ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी के इक्वेशन वन में आपको पता है ए ट्रांसपोज ए के, तो ये क्या बन गया, बी ए इक्वल टू ए बी यूजिंग वन। और अगर ए बी इक्वल टू बी ए आ जाए तो इसका मतलब ए एंड बी क्या कर रहे हैं, कॉम्यूट कर रहे हैं। तो ये है इफ एंड ओनली इफ का मतलब, दोनों पार्ट हमने प्रूव कर दिए इसके। ये पहली थ्योरम हो गई आपकी। सेकंड थ्योरम जो मैं आपको बोल रहा था कि ये काफ़ी यूज़ होती है आगे के हायर एजुकेशन में भी यूज़ होगी, और यहाँ तो यूज़ होगी, इसका एक न्यूमेरिकल भी एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो प्रूव दैट क्या दिया हुआ इसमें, प्रूव दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज़ यूनिकली एक्सप्रेसिबल, यूनिकली वर्ड है इसमें, एक्सप्रेसिबल एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहले तो इसको समझते हैं, इसका मतलब है क्या, थ्योरम में क्या आपको इसका मीनिंग क्या है, क्या ये कहना चाह रहा है, उसको देखते हैं पहले। आपको ये प्रूफ करना है कि जैसे आपको फॉर एग्जांपल कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे दी, याद रखना है स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी, यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगी तो आपको ये थ्योरम ना तो आप प्रूफ कर सकते हैं, ना ही न्यूमेरिकल में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आपको ये प्रूफ करना है कि इस मैट्रिक्स को आप दो मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए मैट्रिक्स के अंदर नंबर होंगे, और दो कोई भी नंबर को आप दो नंबर के सम के फॉर्म में तो लिख ही सकते हैं। ए कोई मैट्रिक्स है और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स में आप ब्रेक कर सकते हो, दो मैट्रिक्स के सम में, और जिसमें से एक मैट्रिक्स क्या आ रही होगी, सिमेट्रिक होगी, यानी कि इसका ट्रांसपोज फिर से यही बन रहा होगा, और दूसरी मैट्रिक्स क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक होगी। और ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन यूनिक होगा। यूनिक होने का मतलब, अगर आपने एक मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स में ब्रेक किया जिसमें एक सिमेट्रिक है दूसरी स्क्यू सिमेट्रिक है, तो इसके अलावा आप इस मैट्रिक्स को कोई दूसरे तरीके से ब्रेक नहीं कर सकते। अगर वो ब्रेक हो भी रही होगी तो वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक नहीं बन रही होगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टेटमेंट इसका, कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के सम में आप लिख सकते हो, जिसमें एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी दूसरी स्क्यू सिमेट्रिक होगी, और ये एक्सप्रेशन क्या होगा, यूनिक होगा। तो यूनिक पे बाद में जाएंगे हम, पहले हम इसका पहला पार्ट प्रूव करते हैं। लेट ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए हमने कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली। नाउ देखिए, ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ ए प्लस हाफ ए लिख सकता हूँ, हाफ प्लस हाफ वन होता है। ये स्टेप आपको ध्यान रखना है। यहाँ मैंने क्या कर दिया, हाफ ए डैश कर दिया, और यहाँ माइनस हाफ ए डैश कर दिया, तो ये तो कैंसिल हो ही रहा है, और हाफ ए प्लस हाफ ए फिर से क्या बन जाएगा, ए। तो इस स्टेप को ध्यान से देखिए, तो इसका मतलब ये बन गया, इन दोनों का हाफ कॉमन लेंगे तो ए प्लस ए ट्रांसपोज, और इन दोनों का हाफ कॉमन लेंगे तो ए माइनस ए ट्रांसपोज, इक्वेशन वन। देखिए इस मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स में हमने ब्रेक कर दिया, दो मैट्रिक्स की सम की फॉर्म में ब्रेक कर दिया। अब ये जो दो मैट्रिक्स की सम की फॉर्म में हमने इसको ब्रेक किया है, ये एक पार्ट है इसका और ये एक पार्ट है। ध्यान से समझिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इस मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में हमने लिखा। अब हमको ये प्रूफ करना है कि जो इसमें दो मैट्रिक्स आ रही हैं, ये ए जो है, ए को हम इन दोनों के सम की फॉर्म में लिख ले रहे हैं। इसमें जो कोई भी एक मैट्रिक्स होगी वो सिमेट्रिक होगी, और दूसरी वाली क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक होगी। ये अब हमको प्रूफ करना है। तो कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होती है, जब उसका ट्रांसपोज फिर से वही बन जाए ना। अब इस जो पहला वाला पार्ट है, इसका ट्रांसपोज निकाल कर देखते हैं। हाफ
ए प्लस ए डैश इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। तो नंबर का ट्रांसपोज तो नंबर ही रहेगा, और मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर ट्रांसपोज दो बार है तो वो अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो बन जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज, एक ट्रांसपोज पहले से है इसमें, हाफ ए ट्रांसपोज। अब क्योंकि पुराने वीडियोस देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैंने ये बताया था आपको ट्रांसपोज का, दोबारा से ट्रांसपोज अगर हम निकालेंगे तो फिर से वो ए बन जाता है। तो हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज हमने निकाला तो वो फिर से क्या बन गया, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज आ गया। इसका मतलब हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, यानी कि जो पहली जो ए मैट्रिक्स थी उसको हमने दो मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिखा, जिसमें पहला वाला पार्ट है वो क्या आ रहा है, सिमेट्रिक आ रहा है। हो गया प्रूफ। अब दूसरे वाले पार्ट को क्या प्रूफ करना है हमको, स्क्यू सिमेट्रिक, जो उसका दूसरा पार्ट है। नाउ हाफ ए माइनस ए डैश इसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो ये क्या बनेगा, हाफ ए ट्रांसपोज माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज, तो ये हो गया हाफ ए ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए बन जाएगा। तो हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज क्या आ गया, इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं, हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज आ तो वही रहा है। देखिए आप हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकाला, हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज आ ही रहा है लेकिन आगे से निगेटिव आ रहा है। तो याद कीजिए अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमने निकाला और वो ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आता है तो उस मैट्रिक्स को हमने क्या बोला था, स्क्यू सिमेट्रिक, यानी कि हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज इज क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। तो जो दूसरा वाला पार्ट आ रहा था इसमें, वो दूसरा पार्ट क्या था, ये हमने सिमेट्रिक प्रूफ कर दिया और ये हो गया हमारा स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये आपका पहला पार्ट हो गया, यानी कि आपसे न्यूमेरिकल में कहा जाएगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स आपको दी जाएगी जैसे 2x2 की मैट्रिक्स दी, और आपसे कहा जाएगा कि इस मैट्रिक्स को दो मैट्रिसेस के सम के फॉर्म में लिखो, जिसमें पहली मैट्रिक्स सिमेट्रिक होनी चाहिए, दूसरी मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक होनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू रख देनी है, आपको हाफ ए प्लस ए डैश निकालना है, यानी कि इसका ट्रांसपोज इसमें ऐड करना है और उसका हाफ कर देना है, एक मैट्रिक्स आ जाएगी, और हाफ ए माइनस ए डैश निकालना है तो ये भी एक मैट्रिक्स आ जाएगी। अब इस इन दोनों मैट्रिसेस को अगर आप ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद ये फिर से किसके इक्वल आ रही होगी, ए के। तो आपने ब्रेक कर दिया इसको, इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल में करना है, न्यूमेरिकल में आपके जा करके कराऊंगा अभी इसमें। तो ये तो बात हो गई सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम की फॉर्म में लिखने की। एक पार्ट और था इसका यूनिकली, यानी कि आपको प्रूफ करना है कि ये जो ए मैट्रिक्स को हमने दो मैट्रिसेस के सम की फॉर्म में लिखा, जिसमें एक सिमेट्रिक और दूसरे स्क्यू सिमेट्रिक है, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये यूनिक भी होना चाहिए, यानी कि इस तरीके का और कोई एक्सप्रेशन होगा ही नहीं ए के लिए। तो यूनिकनेस में क्या है, लेट ए इक्वल टू पी प्लस क्यू मान लेते हैं, वेर पी ट्रांसपोज इक्वल टू पी, क्यू ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस क्यू। ध्यान से समझिए क्या मतलब है इसका, मैंने ये मान लिया कि ए जो मैट्रिक्स है वो एक मैट्रिक्स P और एक मैट्रिक्स Q का सम है, जिसमें पहली मैट्रिक्स क्या है सिमेट्रिक और दूसरी मैट्रिक क्या है स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसका क्या मतलब हुआ, अभी तो मैं आपसे बोल रहा था कि जो A को हमने दो पार्ट में ब्रेक किया था उसको ब्रेक करने का सिर्फ एक ही तरीका होगा और वो ये होगा, एक तरीका तो और ले लिया मैंने। तो इसका मतलब ये है कि ये जो दूसरा तरीका मैंने इसको ब्रेक करने का लिया है, अगर मैं ये प्रूफ कर दूँ कि ये जो P है वो इसके इक्वल है और ये Q जो है इसके इक्वल हो जाए, तो इसका मतलब क्या है कि ए को लिखने का सिर्फ एक ही तरीका होगा। दोबारा से समझिए इसको, मैंने क्या किया, ए को दो मैट्रिसेस के सम के फॉर्म में लिखा, जिसमें पहले सिमेट्रिक ले ली और दूसरी स्क्यू सिमेट्रिक ले ली। हम प्रूफ क्या करने जा रहे हैं कि ए को जो हमने दो मैट्रिसेस के सम के फॉर्म में लिखा, जो एक सिमेट्रिक था दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक था, उसको लिखने का सिर्फ एक ही तरीका हो गया। दो तरीके ले लिए फिर मैंने, एक तरीका तो ऑलरेडी एक थ्योरम में प्रूफ कर ही दिया हमने, एक तरीका हमने और मान लिया। अब हम ये अगर प्रूफ कर दें कि ये जो दूसरा तरीका हमने लिया है ये भी पहले तरीके की ही तरह है, तो ऑटोमेटिकली हमारी थ्योरम का सेकंड पार्ट प्रूफ हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे इसको। तो अगर मैं ए ट्रांसपोज निकालूँ तो पी प्लस क्यू होल ट्रांसपोज क्या बन जाएगा, पी ट्रांसपोज प्लस क्यू ट्रांसपोज, पी ट्रांसपोज क्या है पी, क्यू ट्रांसपोज क्या है माइनस क्यू हो जाएगा। तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ गया, पी माइनस क्यू, इक्वेशन टू
इक्वेशन थ्री, टू और थ्री को ऐड कर दें तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज, राइट साइड में ऐड करेंगे तो क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, पी प्लस पी क्या हो जाएगा, टू पी, पी इक्वल टू क्या आ गया, हाफ ए प्लस ए डैश। अब आप समझ रहे होंगे ये जो पी था जो हमने दूसरा तरीका लिया था, इसमें जो सिमेट्रिक वाला पार्ट है वो इसी के सिमेट्रिक के इक्वल आ गया, यानी कि दूसरा तरीका जो हमने लिया वो पहला ही तरीके की तरह ट्रीट हो रहा है यहाँ पे। अब दोनों इक्वेशन को अगर मैं माइनस करूँ यहाँ से यहाँ, तो ए माइनस ए डैश लेफ्ट साइड में, इससे इसको माइनस करेंगे तो पी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टू क्यू, तो क्यू इक्वल टू क्या आ गया, तो जो ए को लिखने का हमने दूसरा तरीका लिया था वो तरीका भी पहली इक्वेशन में जो हमने पहला तरीका था उसी के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब द एक्सप्रेशन इज यूनिक। तो ये आज की दोनों थ्योरम्स थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं न्यूमेरिकल में। आपको क्या करना है, अगर कोई भी मैट्रिक्स आपको दी जाएगी उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में लिखना है, तो आपको इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देनी है, पहले वाली मैट्रिक सिमेट्रिक आ रही होगी, दूसरी मैट्रिक क्या आ रही होगी, स्क्यू सिमेट्रिक। दोबारा से बार बार रिपीट करके इस वीडियो को आप देखें ताकि आपको ये दोनों थ्योरम्स क्लियर हो जाएं। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, जो स्टेप आपको प्रॉब्लम करेगा तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं।